नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त प्राइम लोकेशन पे कमर्शियल स्पेस लेके आए हैं। पौने 500 गज, 450 गज के आसपास का ये आपको स्पेस है जो पूरा का पूरा मेन रोड पे मिलता है, द्वारका सेक्टर 3 की बिल्कुल मेन प्राइम लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको सारे के सारे बड़े गाड़ियों के शोरूम, बैंक्स, सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल उस लोकेशन पे आज ये इतना बड़ा स्पेस आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। बिना किसी देरी के सबसे पहले आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। इस सिनेमैटिक्स के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी की एक ग्लिम्स मिल जाएगी। मेन रोड पे क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिख जाएंगी। लोकेशन क्या रहने वाली है आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। कितने चौड़े रोड पे प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे अगर आप किसी भी तरह का शोरूम प्लान करते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा है इस वाले रोड के ऊपर। और अगर आप किसी और तरीके का बिजनेस प्लान कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके का ऑफिस स्पेस प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्यूट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही वहाँ के लिए ई रिक्शा मिल जाएगा, मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बस आपको बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने, इस कमर्शियल स्पेस के सामने उतार सकती है। रोड नंबर 201 के बिल्कुल सामने वाली प्रॉपर्टी है। गूगल पे अगर आप इसको स्पॉट करना चाहते हैं तो आकाश हॉस्पिटल के पास की ये प्रॉपर्टी रहेगी, जिसका रेंट काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। और कमर्शियल लोकेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पे USP रहने वाली है इस यूनिट की। अब बिना किसी देरी के आपको पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू देते हैं, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करके वापस आइए, इस पूरी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताते हैं। और दोस्तों मेन रोड आप सारी की सारी देख चुके हैं, सारी की सारी आसपास की चीज़ें देख चुके हैं, बढ़िया लगा होगा आपको सिनेमैटिक्स। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके घूम घूम के भाग भाग के सिनेमैटिक्स बनाए थे, जिसके अंदर हम आपको सारी की सारी आसपास की लोकेशन दिखा पाएं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है। इट्स अ बेसमेंट जो कि आपको पूरे के पूरे 460 गज के स्पेस के आसपास मिलती है, 450 या 460 आई एम नॉट श्योर, बट उसके आसपास ही मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते ही आपको ये एक स्पेस दिखाते हैं। ये आपका स्टोरेज स्पेस, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है। और यहाँ से पूरा का पूरा अंदर आएंगे। इस पूरे स्पेस को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये स्पेस क्या था, कौन सा था, क्यों था, तो इस स्पेस के अंदर पहले एक पूरी की पूरी गाड़ी का शोरूम था। गाड़ी यानी कि एक 4-व्हीलर ब्रांड का शोरूम था, जहाँ पे उन्होंने अपनी कार्स डिस्प्ले करी हुई थी, अपना सेल्स ऑफिस बनाया हुआ था, और उसके अलावा वॉशरूम से लेकर सारी की सारी अदर फैसिलिटीज़ सब हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। इस तरफ लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे भी हमें बिल्कुल उसी तरह का स्पेस मिलने वाला है जैसा हमने आपको एंट्री करते हुए दिखाया था। यहाँ पे पूरा का पूरा सेम वही उसी तरह का स्पेस है। यहाँ पे भी थोड़ा सा और स्टोरेज स्पेस है, इसको आप स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह के कैबिन्स एंड ऑल बने हुए हैं। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक कोई मेडिकल आप लैब खोलना चाहते हैं, अगर आप एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, सारी के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पूरा एरिया देख चुके हैं आप, इस पूरे एरिया के बाद में आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे आपको मिलेगी ये जो आप शटर देख रहे हैं, ये आपको मेन फेसिंग मिलेगी आपकी पूरी प्रॉपर्टी की, विच इज़ अ वेरी ह्यूज फेसिंग। अगर आप देखते हैं तो 60 फीट का मत्था मिलता है आपको इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। और ये पूरा का पूरा गहरा स्पेस 450 से 500 गज में आपको बता चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, विच इज़ अ कमर्शियल स्पेस अगेन, अगर आप एक PG प्लान कर रहे हैं, अगर आप एक इंस्टीट्यूट प्लान कर रहे हैं, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको सारी कमर्शियल, रेंटल, सेल के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, सबकी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी।
ये वाला स्पेस भी आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक ये वाला स्पेस भी आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा कांच का चेंबर बना हुआ है, कांच का पूरा कैबिन बना हुआ है, जिस कैबिन को यूज करते हुए आप अपने पूरे स्टाफ को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पे, और ठीक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी। यहाँ पे जितना भी वर्क आप देख रखे हैं सारा का सारा हुआ हुआ है। आप अगर इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आप अपने ऑफिस अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मे भी अभी आपको इतनी वर्दी ना लग रही हो, बट जब जेन्युइनली आप इस प्रॉपर्टी को लेंगे रेंट पे तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा वर्दी प्रॉपर्टी थी। एक वॉशरूम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा विच इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट अगर आप चाहते हैं तो हम उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट सेल आउट लीज आउट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, इंटीरियर से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का कोड है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल बाकी हो कि भाई इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो आप उस क्वेश्चन को हमें इस प्रॉपर्टी कोड के साथ लेके आएँ हमारे पास उस सवाल को, या फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको क्या चीज़ पसंद आई क्या चीज़ नहीं पसंद आई। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।